साबित कीजिए वैसी जी अपनी देशभक्ति, साबित कीजिए अपनी देशभक्ति। मैं जिंदगी में जब यहाँ से चला भी जाऊंगा ना, तो मेरे आने वाली 10 नस्लों को ये पूछते रहेंगे अपनी देशभक्ति साबित करो, भाड़ में जाए। मैं इन लोगों के देशभक्ति का सर्टिफिकेट लेने का मोहताज नहीं हूँ। मैं जूती तो नसरुद्दीन ओवैसी भी खत्म हो जाएगा, मगर हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा। अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ का पहले का नाम क्या था बताइए? क्या नाम था उनका, पहले दिया हुआ नाम क्या था उनका? हम भी पूछे क्या? बात अगर निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। मैडम आप आइंदा जब पार्लियामेंट की लाइब्रेरी को जाएंगे, जो पहली संविधान की किताब लिखी गई उसको उठाकर देख लीजिए। उसमें अकबर की तस्वीर है, अकबर बादशाह की तस्वीर है, उसमें झांसी की रानी की तस्वीर है, टीपू सुल्तान की तस्वीर है। क्या कहेंगे उसको? अंजना ओम कश्यप और सुधांशु त्रिवेदी के मुंह पर मारा तमाशा। हैदराबाद निकाय चुनाव में बीजेपी की हार हुई, लेकिन चार से सीधा सीधा इस बार 48 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी और अंजना ओम कश्यप दोनों ही ओवैसी पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी भक्तों की टांस लगा दी। आप राणा प्रताप की बात करते हैं, आप औरंगजेब की बात करते हैं, आप ये बता दीजिए कि राणा प्रताप के खिलाफ जंग लड़ने कौन गया था? औरंगजेब की फौज में कौन था? अरे भाई मैंने तो पाकिस्तान से बात किया, भारत के साथ सुनिए सुनिए क्या क्या। अरे अपने अपने टर्म से बोल रहे हैं, कैसा रहेगा? दानशु जी हम जी अच्छा दानशु जी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन आप आइंदा जब उसमें तो भगवान राम की भी तस्वीर है। आपसे कह रहा हूँ वैसी जी भारत की खूबसूरती है। वैसी जी इन सबसे पहले भगवान राम की तस्वीर है। बिल्कुल है सही, पर जय श्री राम बोलने पर आपको भी लगता है कि ये सारे कम्युनल है। जय श्री राम बोलने वाले कम्युनल है, बीजेपी के वोटर्स कम्युनल है, ये भावना आप भी स्प्रेड करते हैं। आप मेरी एक स्पीच दिखा दीजिए जहाँ पर मैंने इस तरह की बात कही, बताइए आप। चलिए स्पीच चलाइए मेरी, अभी आप मेरी एक स्पीच चलाइए जहाँ पर आप जो कह रहे मैंने कहा इस बात को। मैं तो आपको आप तमाम को बता रहा हूँ कि भारत की पहली संविधान की किताब में ये तमाम चीजें हैं। तो राम की तस्वीर है, सीता की तस्वीर है, गुरु नानक की तस्वीर है, टीपू सुल्तान सब की है। तो यही तो खूबसूरती है भारत की, जो बीजेपी कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। भारत की पहली सरकार है जो भारत के एक इलाके पर सर्जिकल स्ट्राइक करती है। भारत के 22 शहरियों को पाकिस्तानी, रोहिंग्या, अफगानी कहती है। और आपका होम मिनिस्टर लेकिन वैसे जी सुनिए ना, खूबसूरती तो उस अंदाज में भी है ना जिसका इस्तेमाल आप करते हैं। आपने ये नहीं कहा कि बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी बर्बाद हो जाएगी लेकिन हैदराबाद का नाम नहीं बदल पाएगी। आपने कौन से शब्द इस्तेमाल किए? इनकी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी लेकिन ये हैदराबाद को भाग्यनगर नहीं कहेंगे। आप भी जिस अंदाज में बोलते हैं, आप भी एक संदेश देते हैं ना। इंशाल्लाह इनकी नस्लें खत्म हो जाएंगी। अरे पार्टी की नस्लें थोड़ी होती है सर। हैदराबाद का नाम हैदराबाद रहेगा, पार्टी की नस्लें थोड़ी होती है। असदुद्दीन ओवैसी भी खत्म हो जाएगा, असदुद्दीन ओवैसी। अरे बहुत सारे पॉइंट हो गए, मैं जवाब दे दूं? एक सेकंड जवाब दीजिएगा। एक और सवाल है मुझे, ये बताइए आप ओवैसी साहब, आपके तो सारे दुश्मन है, आप टीम ए टीम बी आज टक्कर के लिए है, लेकिन कहा जाता है आप दोनों टीम ए टीम बी है, इधर भगवा है उधर भाईजान है, दोनों की पीछे से मिली हुई है। ये कह के सेक्युलरिज्म वाले कहते हैं कि आप ही ने सेक्युलरिज्म को सबसे बड़ा नुकसान इस देश में पहुंचाया है, क्योंकि आप और आपकी पॉलिटिक्स इनको फायदा पहुंचाती है। तभी तो देखिए ना 48 पर पहुंच गए। हाँ मैडम, मेरी वजह से नरेंद्र मोदी ने 2 प्रधानमंत्री बन गए, मेरी वजह से नरेंद्र मोदी 280 से 306 चले गए, मेरी वजह से गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तो वहां पर 1,000 लोगों का कत्लेआम हुआ, मेरी वजह से सिखों का नस्ल जेनोसाइड हुआ, मेरी वजह से नली का मैसेकर हुआ, मेरी वजह से मुजफ्फरनगर हुआ। इस मुल्क में तमाम बुराइयां जो शुरू हुई और कमजोरियां मेरी वजह से है ना। बाकी के सब राजा हरिश्चंद्र की औलाद है, बाकी सब नेक है, कोई गुनाहगार है तो हम ही हैं। आप तमाम लोग सही हैं, यही तो हम कह रहे हैं, यही तो झगड़ा है कि तमाम बुराई तमाम गलतियां हम में है, और जो
सत्ता में बैठते हैं वो दूध के दूल्हे हैं। बिहार में इलेक्शन होता है तो ठाकुर देखा जाता है, ब्राह्मण देखा जाता है, भूमिहार देखा जाता है, कुर्मी देखा जाता है, मगर बात होती है तो खाली मुसलमान मुसलमान। यही तो हिपोक्रेसी है मैडम। ये हकीकत है भारत की सियासत की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको